भोपाल संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली ने आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कहा कि दोनों ही पार्टी जनता के मुद्दों से दूर हटकर सियासत कर रही है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए मैं बताऊं आपको, दोनों ही दल मजहब के नाम पर जो सियासत का खेल चल रहा है, दोनों ही दलों के द्वारा चल रहा है, जिससे जनता के जनहित मुद्दे नदारद है। न सत्ता न विपक्ष दोनों ही मुद्दे नहीं उठा रहा है, सिवाय सियासत के खेल के दूसरा कोई खेल नहीं चल रहा है। पिछले महीने बरकतुल्ला भोपाली स्वतंत्रता बहुत बड़ा नाम था इस शहर के लिए। बरकतुल्ला भोपाली साहब का मरहूम पिछले महीने उनकी शहादत का दिन था। उनको ना किसी भी राजनीतिक संगठन ने, ना सामाजिक संगठनों ने, किसी ने भी खराज अकीदत ना तो सत्ता ने पेश की ना विपक्ष आगे आया। तो हमें लगता है कि सियासत और मज़हब ये दोनों हावी हैं मुद्दों पर, और सरकार आँख बंद करे बैठी हुई है, सत्ता के खेल में मस्त हैं। शहर प्रदेश और देश का बहुत बुरा हाल है। एक तरफ कोरोना से मारे जा रहे हैं, एक तरफ सियासत से मारे जा रहे हैं। जनता के मुद्दे उठाने वाले खामोश हैं, पूछने वाला कोई किसी को नहीं है। सारे मसाइल सियासी हो चुके हैं, जनता परेशान है। मैं बात प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, विपक्ष से, सत्ता के लोगों से यही कहूँगा कि अविलंब आगे आकर दलगत सियासत से, राजनीति से ऊपर उठकर जनता के जनहित मुद्दों की बात करें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत अहम दिन है। आप तमाम लोग जिनकी वजह से हम लोगों को जंगे आज़ादी में फतह मिली थी, उनके लिए वे दो मिनट का मौन धारण करना चाहिए था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना थी। लेकिन यहाँ सियासत हावी रही मुद्दों पे और यहाँ जनता की कोई सुनने वाला नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।